वैसे जब माउस से ही ऑपरेट कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मेरा बंदा गलती से मर गया, तो मेरा अभी हार्ट यहाँ पे ढंग से बैठा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप पबजी का मज़ा ले सकते हैं, अपने बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ओमकार तवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो वाइब्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पबजी मोबाइल को अपने कंप्यूटर में खेल सकते हैं, वो भी अपने कीबोर्ड और माउस के साथ। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि आज तक आपको इंटरनेट पर कोई ऐसी वीडियो प्रूफ नहीं मिली होगी जिससे आप अपने पबजी मोबाइल को कंप्यूटर में खेल सकें। आप उसकी कास्टिंग कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इसके अंदर मैं आज के बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके अंदर कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके जल्दी से जल्दी आप अपने गेम प्ले को और अच्छा बना सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत मज़े ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके अलावा ये कि जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको पूरा कम्प्लीटली सेटअप बता देता हूँ। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर सर्च मारना है ए पावर मिरर। मैं यहाँ पर सर्च मार लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे गूगल इंडिक कीबोर्ड चूज़ करना पड़ेगा, ए पावर मिरर। ये देखिए, ये एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। बेसिकली मैं कास्टिंग भी इसी की मदद से कर रहा हूँ, ए पावर मिरर। उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब इसी का जो दूसरा क्लाइंट है, जो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में दोनों ही चीज़ों का, ए पावर मेरा रिकॉर्डिंग का, ये रहा। बेसिकली ये एक पैच वर्जन है, तो ऑलरेडी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपल इसे सेटअप को इंस्टॉल करना है। सेटअप इंस्टॉल करने का CRK फाइल को इसके प्रोग्राम फाइल्स में जाके ए पावर मेरा के जाके वहाँ पर पेश कर देना, जिससे कि यह कम्प्लीटली करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल जैसे इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये सॉरी, गलती से बंद हो गया मेरा फ़ोन। ये देखिए, तो इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैं दोबारा चालू करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मेरा अभी ऑलरेडी कनेक्टेड था जो से दिखा रहा है, अदरवाइज़ आप जैसे ही ऑन करेंगे तो उसके अंदर दिखाएगा कि आपका मिरर का एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको USB पे क्लिक कर देना है अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके अलावा अगर आप USB करेंगे तो कहेंगे USB डबिंग ऑन करने के लिए। तो उसके लिए जो मेन मेन सेटिंग्स है आपको मैं समझा देता हूँ पूरी कम्प्लीटली। आपको जानना है फ़ोन की सेटिंग्स में। फ़ोन की सेटिंग में सबसे पहले आपका आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो सो ऑन करने के लिए आपको MIUI वर्जन किसी भी उस पर अपने फ़ोन के अकॉर्डिंगली जो सबको पता होगा डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। और डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आप जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर सबसे नीचे ऑप्शन होगा डेवलपर ऑप्शन, इसे ऑन कर देना। मेरा ऑलरेडी ऑन है यहाँ पे। उसके अलावा जो तीन मेन चीज़ें जो कि किसी को नहीं पता होती है, USB डबिंग जो उसके अंदर बताया गया लेकिन लोग बात कर नहीं पाते, उन्हें समझ में नहीं आता होता क्या इससे, और इंस्टॉल वाई USB। इंस्टॉल वाई USB का जो मतलब है, अगर मैं चाहूँ तो इसे स्क्रीन को ऊपर नीचे अपने देखिए माउस की मदद से कर लेता हूँ, जो कि इसकी मदद से पॉसिबल है। और USB डबिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी ऑन करके रख देना है, जिससे कि आपको इसके अंदर कास्टिंग बिल्कुल ही मतलब फुल्ली ऑथराइज हो जाएंगी कि आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इसके कास्टिंग के थ्रू। बस आपको ये सिंपल सी सेटिंग्स कर देनी है। उसके बाद फिर दोबारा अपने ए पावर मिरर पे जाना है। ये देखिए, मैंने गलती से डिसकनेक्ट कर दिया। मैं दोबारा से रिकनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया और विद इन द सेकेंड्स के अंदर मेरे ऑलरेडी सारी सेटिंग्स अपडेट था। विद इन द सेकेंड के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर मेरा ए पावर मिरर ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन में ओपन हो चुका है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मिरर पर क्लिक करा और वाया USB पे गया तो मुझे दोबारा एक बार रिट्राई करना पड़ेगा। मैंने दोबारा एक बार फिर से रिट्राई कर दिया है। ये यहाँ पे ले रहा है लोडिंग थोड़ा सा, और इसी के बाद ये जो मेरा वो है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट नाउ मेरे फ़ोन पे आ गया। जैसे मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, दोबारा से कास्टिंग यहाँ से मेरे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा जैसे मैंने स्वाइप करना सेम ऐसे कर देना है। उसके बाद आपको अपना सिंपल पबजी ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा पबजी अभी ऑन नहीं है, तो पबजी ऑन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे पबजी मोबाइल पे। जैसे मैंने क्लिक करा अपने फ़ोन में तो देखिए ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन रोटेट हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे जो पबजी है वो ओपन हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा सा स्लो नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा मोबाइल ही स्लो है यहाँ पर,
लेकिन कुछ एक सेकंड्स का जो ओपन होने में टाइम था वो लेगा, मैं ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो बेसिकली अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड लिख कुछ वो दिखा रहा है डिटरमिन जो इनके आते हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखिए, फुल स्क्रीन करने के बाद ये जो मेरा माउस है वो एज ए मतलब को मैंने इसे कम्प्लीटली माउस से ही यूज़ कर रखा है, तो मैं इसे माउस से यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहीं पे भी क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए माउस से मैं सेटिंग्स ओपन कर लिया। अभी मैं इसे फिर से बंद भी कर देता हूँ यहीं से ही। ओके, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे सेटिंग्स बंद करने में। ये देखिए मैंने यहाँ सेटिंग्स बंद कर दी। उसके बाद जैसे ही वो का एक मैच खेल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, जिससे कि आपको लगे कि इसके अंदर सही में हम कीबोर्ड और माउस की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी सेटिंग नहीं यूज़ करी है इसके, तो मैंने इसे जनरली सिर्फ अपने माउस के लिए कर रखा है। मैं इसे कम्प्लीटली एक माउस से हैंडल करूँगा पूरे के पूरे गेम प्ले को। मतलब बहुत ही मज़ेदार कूल एक्सपीरियंस होगा अगर आप ये यूज़ करते हैं तो। अगर आपको सही में मन है कि एक बड़ी डिस्प्ले पर पबजी जैसा गेम खेलें, और जो कि बहुत ही मज़ेदार मुझे भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से इतना लोडिंग ले रहा है, सॉरी फॉर डैट। ये देखिए हमारे से पूरे के पूरे गेम प्ले को यहाँ से पबजी की, और यहाँ से मैं ये देखिए मैंने यहाँ पे से वो करा, और ये यहाँ से पूरे के पूरा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैं कम्प्लीटली बिना किसी की बिना कीबोर्ड के भी मैं इसे से माउस से ही ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मेरा बंदा गलती से मर गया, तो मेरा अभी हार्ट यहाँ पे ढंग से बैठा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप पबजी का मज़ा ले सकते हैं अपने बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। ये मेरा फिर से मर गया। तो इस तरीके से आप अपना जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है ऐसे ही आप करके आप पबजी का फुल मज़ा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी होगी दोस्तों, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ अगर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन ऑन द स्पॉट देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी हैकिंग सीख कम्प्लीटली तैयार है और जल्द से जल्द हम अपने प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर लॉन्च कर देंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।